कौन होता किससे विभाजित? विभाज्यता की जांच। क्या आपको पता है कि भाजकों 10, 5, 2, 3, 9 आदि से विभाज्यता की जांच किस प्रकार की जाती है और ये किस प्रकार कार्य करते हैं? आइए देखते हैं। 10 से विभाज्यता। 10 से विभाज्यता की जांच करना अन्य संख्याओं की तुलना में सरल है। 10 के कुछ गुणजों को देखिए। 10, 20, 30, 40, 50 और इसी तरह आगे। तुलना के लिए कुछ ऐसी संख्याएं लीजिए जो 10 की गुणज नहीं है, जैसे 12, 25, 33, 46, 57, 64, 77, 89 और इसी तरह आगे। इन संख्याओं में हम यह देख पाते हैं कि संख्याएं जिनकी इकाई में शून्य हैं वे 10 की गुणज हैं तथा जिन संख्याओं की इकाई में शून्य नहीं हैं वे 10 की गुणज नहीं हैं। इस विश्लेषण से हमें 10 से विभाज्यता की जांच का नियम प्राप्त होता है। अब हम यह जानेंगे कि जांच का यह नियम किस तरह कार्य करता है। इसके लिए हमें स्थानीय मान के नियमों का उपयोग करना होगा। कोई संख्या डॉट डॉट सी बी ए लीजिए। इसे विस्तारित रूप में लिखने पर डॉट 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 धन 100 सी धन 10 बी धन ए। यहाँ ए इकाई का अंक, बी दहाई का अंक और सी सैकड़े का अंक है। यहाँ डॉट 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 बिंदु यह दर्शाते हैं कि सी के बाईं ओर और भी अंक हो सकते हैं। यहाँ 10, 100, 1000 आदि 10 से विभाज्य हैं, अतः 10 बी 100 सी डॉट 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 भी 10 से विभाज्य होंगे। दी हुई संख्या 10 से विभाज्य होगी जब a बराबर शून्य होगा। स्पष्टतः कोई संख्या 10 से तभी विभाज्य होगी जब उसके इकाई का अंक शून्य हो। अब आप कुछ संख्याओं के उदाहरण दीजिए जो 10 से विभाज्य हैं। 5 से विभाज्यता। 5 के कुछ गुणजों को देखिए। 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 और इसी तरह आगे। हम देखते हैं कि इनमें इकाई के अंक केवल 5 व शून्य हैं जो एकांतर क्रम में हैं। इससे हमें 5 से विभाज्यता का यह नियम प्राप्त होता है कि यदि किसी संख्या की इकाई का अंक 5 या शून्य हो तो वह संख्या 5 से विभाज्य होती है। अब इस नियम को स्पष्ट रूप से समझने के लिए आप कोई संख्या डॉट 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 सी बी ए लीजिए। इसे विस्तारित रूप में लिखिए। डॉट 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 100 सी धन 10 बी धन ए। यहाँ ए इकाई का अंक है, बी दहाई का अंक है व सी सैकड़े का अंक है तथा सी के बाईं ओर और भी अंक हो सकते हैं। चूंकि 10, 100 और इसी तरह आगे 10 से विभाज्य है, अतः 10 बी 100 सी डॉट 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 भी 10 से विभाज्य होंगे। ये संख्याएं 5 से भी विभाज्य होंगी। कोष्ठक में 10 बराबर 5 गुणा 2। अब हम कह सकते हैं कि पूरी संख्या 5 से विभाज्य होगी जब a 5 से विभाज्य हो या शून्य हो। करके देखें, क्या 5 से विभाजित सभी संख्याएं 10 से भी विभाज्य हैं? कारण स्पष्ट कीजिए।